ऐसा फैक्स अध्यक्ष हम लोग देखा नहीं सुना। हाँ, बदलाव नहीं करेंगे एकदम। हम लोग चाहेंगे हमको जिंदगी पार हो जाए इसी फैक्स अध्यक्ष, इसी फैक्स से। हाँ, खाद देख रहे हैं, जिला में खाद का महामारी रहता है तब भी मसार में खाद अवेलेबल रहता है। यहाँ जो भी पहले पैक्स अध्यक्ष थे 2009 में थे, वो 310 रुपए में खाद बेच रहे थे। आज बताइए 2024 है, 270 रुपए में खाद मिल रहा है। बताइए वो पैक्स अध्यक्ष लिया कि उनके लिए जो भी होगा, जिस चीज के लिए मुझे चुना है वो काम मैं अपना ईमानदारी पूर्वक करूंगा। और पिछले 5 वर्षों में किसी भी चीज की समस्या का निदान किया, कोई भी समस्या हुआ ही नहीं। यहाँ जो भी चीज है कृषि से संबंधित जो व्यवस्था है वो हमारे पंचायत के लोगों को दी गई उचित मूल्य पे, उचित समर्थन मूल्य पे। यहाँ तक कि बाहरी सहकारिता संस्था के द्वारा भी यहाँ पर समय समय पर, जैसे अभी प्याज की बिक्री, प्याज मार्केट में महंगे दर पर बिक रहा है, हमारे पंचायत में मंगा कर 35 रुपये किलो के दर से प्याज की बिक्री हो रही है। आपका नाम क्या है? शैलेश कुमार सिंह। क्या कहेंगे राकेश जी को, आप लोग लगातार एकदम जिताने की होड़ में रहते हैं, कारण क्या है? जो ये काम किए हैं ना, जो आज तक जितना फैक्स अध्यक्ष जीते हैं, एक भी काम नहीं किए। जब से जीते हैं 5 साल में इतने काम किए हैं कि पूरा गांव का पूरा जवार तक ले नाम हो गया है कि ऐसा फैक्स अध्यक्ष कभी नहीं देखे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं जिस तरह प्रिया सिंह का आज जुलूस रैली निकला हुआ था। पैक्स अध्यक्ष प्रिया सिंह यहाँ की निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष है, और जिस तरह हजूम आप देखने को आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी जागरूकता है, काफ़ी उत्सुकता है। और ये देखिए जिंदाबाद के सब नारे लगा रहे हैं, बहुत ही अद्भुत मसाढ़ पंचायत की बात होती है तो तमाम लोगों के चर्चा में राकेश सिंह की चर्चा होती है। राकेश सिंह प्रिया सिंह के पति है और जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम यहाँ के किसान भाई और जितने भी ग्रामीण हैं सब लोग इकट्ठा होके और एकजुट होके फैसला किया है कि फिर से पैक्स अध्यक्ष के रूप में प्रिया सिंह को बनाना है। राकेश सिंह जी से जुड़ेंगे, सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल समृद्धि न्यूज को धन्यवाद। क्या कहेंगे, एक शानदार आगाज फिर से आपके तमाम ग्रामीणों ने आपके कंधों से कंधे मिलाकर प्रिया सिंह को जिताने के लिए आपके साथ घूम रहे हैं। जोर शोर से एक अलग माहौल हो गया है, माहौल में गर्माहट दिख रही है, कहीं ना कहीं जोश और जुनून दिख रहा है कि नहीं प्रिया सिंह फिर से पैक्स अध्यक्ष बनेगी। क्या कहेंगे ये तमाम लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं? ये हमारे युवाओं और सभी किसानों का जुनून है, और जो हमने पिछले 5 वर्ष पूर्व जब मैं पैक्स का अध्यक्ष बना तो हमने शपथ लिया था कि अपने गांव के किसानों के हित के लिए जो भी करना पड़े करूंगा। मैंने 5 साल अपना ईमानदारी पूर्वक अपने गांव के सभी किसान वर्गों के लिए हर चीज, हर संभव प्रयास किया, हर सुविधा उपलब्ध कराई, जो भी सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें व्यवस्था है सारा व्यवस्था दी गई, उचित दर पे खाद मिला, खाद के लिए कभी हमारे गाँव के किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़ा। उनके समय के बुआई के समय उससे पहले ही अपने खाद का व्यवस्था हम कर लिया करते हैं। आज भी हमारे, देखिए आप एक बार कैमरा घुमा सकते हैं, मेरे यहाँ खाद का भरा हुआ है जो आप देख रहे हैं, और जो भी गेहूं और या धान जो भी सरकार की अधिप्राप्ति है उसका समर्थन मूल्य जो भी सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जो निर्धारित होता है वो समर्थन मूल्य किसानों को दी जाती है। यहाँ पे कोई भी कटौती नहीं है, जो भी समस्या है किसानों का उसका निदान किया जाता है। उनका, उनके लिए प्रयास मैं करता हूँ कि उनके हर जो भी अपना वादा किया उसको निभाऊं, और मेरे गांव के किसान को ये लगा कि नहीं भाई मेरे लिए है, तो आज मेरा ये देख रहे हैं सब लोग जो जुटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए राकेश सिंह जी से फिर जुड़ेंगे हम, लेकिन इसके पहले यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर रुकिए आप लोग, मैं आप लोगों तक जुड़ने का प्रयास करूंगा, उसके बाद मैं राकेश जी से जुड़ूंगा। हालांकि मैं बता दूं कि इन्होंने, राकेश सिंह ने अपनी ईमानदारी और कर्मठता से तमाम लोगों के दिलों पे एक अमिट छाप छोड़ दिया है कि हम आपके लिए सदैव तत्पर है, चाहे जब आप ढूंढिए हमें, और तब जाके ये लोग तैनात होते हैं। यूं ही कोई इतिहास नहीं गढ़ता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कहानी होता है, और जो इन्होंने दिखाया। आपका नाम क्या है? शैलेश कुमार सिंह। क्या कहेंगे राकेश जी को, आप लोग लगातार एकदम जिताने की होड़ में रहते हैं, कारण क्या है? जो ये काम किए हैं ना, जो आज तक जितना फैक्स अध्यक्ष जीते हैं, एक भी काम नहीं किए। जब से जीते हैं 5 साल में इतने काम किए हैं कि पूरा गाँव का पूरा जवार तक ले नाम हो गया है कि ऐसा फैक्स अध्यक्ष कभी नहीं देखे।
इस बार फिर आप लोग प्रिया सिंह को पैसे दे कराएंगे? जय घोष है, जय घोष है। और ये तमाम लोग पीछे भी दिखाइए, ये भीड़ आगे ही नहीं है, पीछे भी तमाम युवा तैनात है कि नहीं प्रिया सिंह पैक्स अध्यक्ष बनेगी, मुखिया तो है ही पैक्स अध्यक्ष भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल सिंह पर है। राहुल जी क्या कहेंगे, बदलाव नहीं करेंगे आप लोग प्रिया सिंह को ही पैक्स अध्यक्ष? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिया सिंह के कार्यकाल में विकास हुआ है और पूरा गांव जानता है। हर समय पे धान की खरीदी, हर समय गेहूं की खरीदी और यूरिया डीएपी और बहुत सारी सुविधाएं किसान को उचित मूल्य पर सब कुछ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह। परिवर्तन करेंगे कि पैक्स अध्यक्ष प्रिया सिंह सही है? ऐसा पैक्स अध्यक्ष तो हम लोग देखा नहीं सुना। बदलाव नहीं करेंगे? एकदम हम लोग चाहेंगे हमको जिंदगी पार हो जाए इसी पैक्स अध्यक्ष। इसी पैक्स से? आधार सही पैसा मिलता है हम लोगों का। जो पैसा है जो सरकार दे रहा है उचित पैसा, एक दिन रहे गेहूं धान दोनों का पैसा हम लोग को मिल रहा है किसान का। कहाँ वोट मारेंगे? माला छाप पे देगा, माला छाप पे वोट। देखिए याद है कि प्रिया सिंह का माला छाप है, इसीलिए मैंने पूछा। ये देखिए कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार सिंह पड़ा। राहुल जी क्या लगता है प्रिया सिंह पैक्स अध्यक्ष बनेगी? इनसे बढ़िया कोई नेता नहीं है। हाँ। कोई काम किया है आज तक? बदलाव नहीं करना? नहीं नहीं, एकदम मूड बना लिया एकदम प्रिया सिंह। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। मैं यही बोलूंगा, प्रिया सिंह की जीत नहीं है, पूरे ग्रामीणों की जीत है। प्रिया सिंह जिंदाबाद। जीत के लिए ये जोश जुनून के साथ लगे हैं। कुछ लोग खुद से जगे हैं और कुछ लोगों को जगाने ये लोग चले हैं। गांव में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं कि जगिए, यदि नहीं जगिएगा तो अनर्थ हो जाएगा, आपको जगना पड़ेगा और प्रिया सिंह को जिताना पड़ेगा। जी क्या नाम है आपका? रोशन कुमार सिंह। जिताएंगे आप प्रिया सिंह? एकदम एकदम जिताएंगे। अरे सभी काम कर रहे हैं, खाद देख रहे हैं। जिला में खाद का महामारी रहता है तब भी मसार में खाद अवेलेबल रहता है। यहाँ जो भी पहले पैक्स अध्यक्ष थे 2009 में थे, वो 310 रुपए में खाद बेच रहे थे। आज बताइए 2024 है, 270 रुपए में खाद मिल रहा है। बताइए वो पैक्स अध्यक्ष लड़ रहे हैं। अपना कार्यकाल बताइए कि हम क्या क्या किसानों के लिए किए हैं। अरे कर रहे तो जीते नहीं, हार गए दो बार, अब फिर अब लड़ रहे हैं। इनका देखिए कार्यकाल, जानता है इनके पास किसान है सब। अच्छा, किसान से पूछिए जाकर। राकेश सिंह के व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे? कैसे इनका व्यक्तित्व एकदम बढ़िया है, तभी जनता इनको पैक्स अध्यक्ष बनाए, उसके बाद मुखिया बनाए, अब फिर पैक्स अध्यक्ष बनाने के लिए जोरदार एकदम समर्थन दे रहे हैं। यूथ आइकन के नाम से जाना जाता है। यूथ आइकन, क्या बात है, यूथ आइकन है। और यूथ आइकन के नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणधीर सिंह हुआ। क्या कहेंगे आप लोग? जिस तरह प्रिया सिंह नहीं खड़ी है, हम लोग किसान लोग खड़े हुए हैं। किसान लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या बात है, देखिए हक और अधिकार की लड़ाई प्रिया सिंह नहीं किसान लड़ रहे हैं। और ये तमाम लोग घर घर जा जाके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, गांव में अपने पंचायत में सबसे मिल रहे हैं। हम तो जग गए, आप भी अपनी आंखें खोलिए और उचित कैंडिडेट को चयन कीजिए। चूंकि सही लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे और समाज का भला करने वाले लोग आएंगे, तभी जाके विकास हो सकता है। आपका नाम? जी आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मेरा अजीत नाम पड़ेगा। आज तक हम लोग को पूरा खाद मिलता है। मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कर रहे हैं? बिल्कुल। आप बताइए, बोलिए। जी मेरा नाम राजकुमार सिंह है। राजकुमार जी क्या कहेंगे? बहुत सुंदर काम हुआ है। नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, पिछले कार्यकाल में बहुत सुंदर काम हुआ है। किसानों को एकदम समय पे खाद की आपूर्ति होती है, समय पे धान ले लिया जाता है और सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया उसमें 1 रुपए की कटौती नहीं की जाती है। सरकार से इससे बहुत खुश है ग्राम। देखिए सब लोग इनसे खुश है और खुशी ऐसे ही नहीं होती है। 2-4-10 लोगों को इकट्ठा करके और भाषण देने में मजा आता है, लेकिन तमाम ग्रामीणों को एक साथ लेकर और पूरे गांव घूम देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है राकेश सिंह की। चूंकि इन्होंने अपनी ईमानदारी और कर्मठता का परिचय दिया है, इन लोगों के एक आवाज पर एक पैर पर खड़े रहते हैं तभी जाके ये तमाम लोग इनको इतना दुलार प्यार दे रहे हैं। चलते चलते राकेश जी क्या कहेंगे, चूंकि चुनाव तो अब आ गया है, समय आ गया है, ये तमाम लोग आपके साथ, हालांकि मुझे कोई शब्द नहीं है कि हम क्या कहें, लेकिन तमाम लोग जिस तरह एकजुटता के साथ खड़े हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी आपको दे रहे हैं और सब लोग आपके पक्ष में हैं। हालांकि वैसे लोग जो नौजवान भाई हैं, सब लोग को हाथ जोड़कर प्रणाम, और जितने हमारे बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम। उन्हीं के बदौलत मैं हूँ और उन्होंने जब मुझे चुना तो मैंने प्रतिज्ञा लिया कि उनके लिए जो भी होगा, जिस चीज़ के लिए मुझे चुना है, वो काम मैं अपना ईमानदारी पूर्वक करूँगा। और पिछले 5 वर्षों में
किसी भी चीज़ की समस्या का निदान किया, कोई भी समस्या हुआ ही नहीं यहाँ। जो भी चीज़ है कृषि से संबंधित जो व्यवस्था है वो हमारे पंचायत के लोगों को दी गई उचित मूल्य पे, उचित समर्थन मूल्य पे, यहाँ तक कि बाहरी सहकारिता संस्था के द्वारा भी यहाँ पर समय समय पर, जैसे अभी प्याज की बिक्री, प्याज मार्केट में महंगे दर पर बिक रहा है, हमारे पंचायत में मंगा कर 35 रुपये किलो के दर से प्याज की बिक्री हो रही है। 35 रुपये किलो प्याज की बिक्री हो रही है, मार्केट में 60 रुपये 70 रुपये किलो है, 35 रुपये किलो प्याज की बिक्री हो रही है। समय समय पर भारत दाल जो सरकार मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है भारत दाल का, उसका भी भारत NCCF के द्वारा जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री विशाल सिंह जी, हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चेयरमैन बनने के बाद पूरे बिहार नहीं पूरे देश में जो भी सरकार के जो भी समस्या होती है, जो भी महंगाई आता है, उसको सस्ते दर पे NCCF अपने कार्यों से जनता के हित के लिए काम करती है। और हम लोग के पैक्स सहकारिता से NCCF जुड़ा है और सहकारिता से पैक्स जुड़ा है, इसके नाते हमारे पैक्स में भी आकर भारत दाल भारत प्याज ये सब की बिक्री होती है उचित मूल्य पे। चलते चलते तमाम दर्शक देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे इनसे? यही अपील है कि हम मुझे एक बार फिर मौका दें, और मौका सब लोग दे रहे हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले 3 तारीख को सभी लोग से अपील करेंगे एक नंबर पर पटन मुहर मारकर माला छाप पर प्रिया सिंह को भारी से मतों से विजयी बनाएं, और उसके बाद फिर आगे के मसार के प्रगति को आगे बढ़ाएंगे और बढ़िया तरीके से जो भी जो काम पैक्स में बचे हुए हैं उनको भी पूरा करना है। जो हमारे पीछे के पैक्स अध्यक्ष लोग रहे उनके द्वारा 2 बार कोई काम का जो जिक्र है वो मेरे गांव देख ली चुका है, और यही हमारा आज हम पूरा गांव घूमे, सभी लोग का आशीर्वाद मिला, और सभी अपने ग्रामवासी को पुनः प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद का कामना करते हैं कि आने वाले 3 तारीख को मेरी पत्नी प्रिया सिंह को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। बहुत सुंदर। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, एक जबरदस्त अपडेट मसाड़ पंचायत से है, और लगातार खबरों के साथ बने, फिर कुछ होता है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।